सोलन के माल रोड पर स्थित बेकरी की दुकान में सुबह के समय अचानक तेज धुआं निकलने लगा। आसपास रह रहे लोगों ने इस बारे में बेकरी के मालिक को सूचित किया। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और दमकल विभाग को भी मौके पर बुलाया गया। दमकल विभाग को जानकारी मिलते ही वे घटना स्थल पर पहुंचे और कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। बेकरी के मालिक ने अंदेशा जताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि आग लगने से उनका हजारों का नुकसान हो चुका है। सुख बात यह है कि हादसा सुबह के वक्त हुआ जब सभी जाग रहे थे। अगर ये हादसा रात को होता तो ये एक बड़ी घटना हो सकती थी। अधिक जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी राजा राम भागता ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो देखा कि बेकरी के गोदाम में आग लगी हुई थी, जिस पर दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में दुकानदार को करीबन 15,000 रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है। सूचना हमें 8:15 पर मिली। जैसे ही हमें आपकी सूचना मिली, हमने तुरंत जो अपने दो टर्न आउट घटनास्थल से रवाना कर दिए। यहाँ पर आते देखा तो 5 बेकरी के अंदर गोदाम में आग लगी थी, जिसको कि हमने पूर्ण रूप से बुझा दिया। कितने का नुकसान हुआ थी? इसमें 10-15 हज़ार का नुकसान बता रहे हैं। पुराना सा ओवन था एक, इसमें आग लगी। कारण शॉर्ट सर्किट।